बॉलीवुड की हॉटेस्ट दादी, इनफैक्ट सबसे यंग और सबसे चार्मिंग दिखने वाली दादी नीतू कपूर आखिर किस वजह से हो रही है ट्रोल, और किस वजह से लोगों ने ये कहा कि जैसा माँ वैसा ही बेटा। आइए देखते हैं इस पूरे रिपोर्ट में। सो हेलो एंड वेलकम टू फिफा फूज, मैं हूँ आपके दोस्त और इस शो की होस्ट दीप्ति बिस्वाल। आपको बता दूं कि नीतू कपूर जो कि बॉलीवुड की टॉप मोस्ट एक्ट्रेसेस में से एक हैं, जिनके बेटे रणवीर कपूर भी इस बॉलीवुड में अपना अच्छा खासा नाम बना चुके हैं और फिलहाल करेंटली वो एक आप कह सकते हैं न्यू पेरेंटहुड में बन चुके हैं और रहा के प्राउड फादर हैं। बट इसके साथ साथ ऐसा क्या हुआ कि नीतू कपूर एक विवादों में फंस चुकी हैं। नीतू कपूर एक बिना कुछ कहे बिना कुछ करे ही लोगों के नज़रों में कुछ इस तरह आ गई कि लोगों ने इनको इनके एक हरकत के वजह से इनके बेटे को भी बीच में घसीटा और इन्हें करने लगे हैं ट्रोल। मैं आपको बताती हूँ ये न्यूज़ पर विस्तार से। मैं आपको बता दूं कि नीतू कपूर ने रिसेंटली अपनी इंस्टाग्राम स्टोरी पे एक कोई तो स्टोरी को शेयर किया है, मतलब किसी का एक पोस्ट को उन्होंने अपने स्टोरी पे शेयर किया। जैसे नॉर्मली हम लोग कोई रील कोई स्टोरी कोई भी चीज़ अगर हमें पसंद आता है जैसे हम लोग इंस्टाग्राम पे शेयर करते हैं, वैसे ही नीतू कपूर ने किसी के एक पोस्ट को अपने इंस्टाग्राम अकाउंट पे किया था शेयर, और वो शेयर करने के बाद ही ये विवाद शुरू हो गया। क्योंकि जिस चीज़ों को उन्होंने शेयर किया है उस चीज़ों में कुछ इस तरीके से चीज़ें लिखी हैं कि अगर कोई इंसान तुम्हें 6-7 साल से डेट कर रहा है इट डजंट मीन्स कि वो तुमसे शादी करेगा। अब नीतू कपूर ने पता नहीं किस इंटेंशन से ये पोस्ट को किया है शेयर, लेकिन लोगों ने कहीं ना कहीं रणवीर कपूर और दीपिका पादुकोण के रिलेशनशिप को पास्ट के रिलेशनशिप को बीच में लेकर आके ये मुद्दा को हवा दे दी है। कहीं ना कहीं लोग ये कह रहे हैं कि अपने बेटे की गलती पे पर्दा डालकर नीतू कपूर ने ये पोस्ट को किया है शेयर, जहाँ पे लोग ये कह रहे हैं कि ये स्टोरी शेयर करने के पीछे का मकसद ही क्या रहा। क्योंकि उसके ठीक नीचे एक और लाइन लिखा था कि मेरे अंकल 6 साल से MBA का कोर्स कर रहे हैं लेकिन वो अभी DJ हैं, एकदम DJ वाले टाइप जो रहते हैं वो काम कर रहे हैं। मे भी ये पोस्ट एक फ़नी अंदाज से एक फ़नी वे से शेयर किया गया हो, क्योंकि नीतू कपूर का लिखा हुआ ये कंटेंट नहीं था बल्कि किसी और का था और नीतू कपूर को कुछ तो लगा रहेगा जिस वजह से उन्होंने किया है शेयर। लेकिन लोगों ने दीपिका और रणवीर के इस रिलेशन जो पास्ट के जो रिलेशन था उसको बीच में लेकर आके ये कहा कि क्या पता रणवीर और दीपिका के इस रिलेशन जो कि नहीं टिक पाया और नीतू कपूर इसी चीज़ को हवा देते हुए इन्होंने ये चीज़ को कहा होगा कि मेरा बेटा सही था, अगर इतने टाइम से रिलेशन चल रहा है तो ज़रूरी थोड़ी है कि तुम उसे शादी करेगा। लेकिन बहुत लोगों ने ये सवाल उठाए हैं तो मैं भी नीतू कपूर बहुत जल्दी इस बात पे अपना रिएक्शन दे सकती है, लेकिन फिलहाल नीतू कपूर का अभी तक कोई रिएक्शन आया नहीं है। हमें इंतज़ार है कि मैं भी वो इस टॉपिक पे और ट्रोलर्स को स्पेशली जवाब देने के लिए कुछ तो बोलें, क्योंकि जिस वे से उन्हें ट्रोल किया जा रहा है ये कोई नॉर्मल मुद्दा नहीं लग रहा है। वैसे आप क्या सोचते हैं इस बारे में हमें कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएगा। फिलहाल के लिए बस इतना ही, और खबरों के लिए आप बने रहे हमारे साथ और देखते रहिए फिफा फूज।